ठाकुर इस वक्त लाइव हैं, बोल रहे हैं, सुनिए। मैं निवेदन करता हूं श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से कि वो मीडिया के बंधुओं के समकक्ष अपनी बात रखें। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहां के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया, बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और यहां पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,70,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है, जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला, नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली,